أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقلم وما يسطرون ما وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. میں پناہ چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود کے شر سے. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. نون قلم کی قسم ہے اور اس کی جو اس سے لکھتے ہیں. آپ اللہ کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں اور آپ کے لیے تو بے شمار اجر ہے اور بے شک آپ تو بڑے ہی خوش خلق ہیں. صدق اللہ العظیم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر. اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. حسرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. لایا میرا مقدر. اللہ اکبر اللہ
अजानी बस एक सदा आ रही है बराबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर मांगी गई है जितनी दुआएं मंजूर होंगी मकबूल होंगी मीज़ाबे रहमत है मेरे सर पर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर याद आ गई जब अपनी खता अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाए रोया गिलाफे काबा पकड़ कर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर देखा सफा भी मरवा भी देखा रब के का जलवा भी देखा देखा रवा एक सरों का समंदर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर और बड़ा खूबसूरत शेर सभी रहमानी साहब ने इसमें लिखा है कि काबे के ऊपर से जाते किसको अदब ये सिखाते नहीं हैं कितने मुआदब हैं ये कबूतर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर काबे की रौनक काबे का मंजर शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी ट्रांसमिशन हमारी, आज कौन सा रोजा हो गया है? आज हमारा चौथा रोजा हो गया। चौथा रोजा कंफर्म? जी, पक्की बात है। यस। जी नाज़रीन, तो बहुत खुश आमदीद कहते हैं आपको। आज चौथा रमज़ान है और मैं हूँ आपका होस्ट सैयद फरहान अली वारिस और मेरे साथ हैं हमारी को होस्ट नताशा अली। नताशा, आज का मौजू हमारा क्या है? हुस्न अखलाक। वाह, जो आपके पास है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पास भी हो। जी, लेकिन बहुत सारे लोगों में नहीं होता। हाँ, अगर नहीं होता तो रमज़ान में हम दुआ करते हैं कि जिनके पास हुस्न अखलाक नहीं है अल्लाह उनको ये तौफीक दे, क्योंकि अखलाक एक ऐसी चीज़ है जो इंसान का आईना होता है। जैसे कि मौला अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इंसान जब तक बोलता नहीं है तब तक अल्फाज उसके कैदी होते हैं, और जब वो बोल देता है तो फिर वो अपने अल्फाज का कैदी हो जाता है। हमें सोचना ही है कि हमने अच्छी बात करनी है या बुरी बात करनी है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में इखलाक अगर आपका अच्छा है जी तो आप मुकम्मल इंसान हैं। बेशक है। और अगर इखलाक आपका अच्छा नहीं है तो आपके पास कुछ भी है, दुनिया की दौलत है, आप बहुत बड़े इंसान हैं, लेकिन आप इंसान नहीं हैं। देखें, दुनिया से हम सब ने चले जाना है, रह जाएंगी तो हमारी यादें। सोचना यह है कि हमें वो यादें अच्छी छोड़ के जानी हैं या बुरी। अगर हुस्न अखलाक होगा, इखलाक अच्छा होगा, इखलाक ज़रूरी नहीं कि आप बड़ों से अच्छे इखलाक से बात करें, बल्कि अपने छोटों से भी। ज़रूरी नहीं कि जहां आप जॉब करते हैं अपने बॉस से अच्छे इखलाक से बात करें, बल्कि उनसे भी जो आपके मातहत काम करते हैं। यहाँ पर मैं हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर आपको सुनाता हूँ, और इससे बेहतर बात और कोई हो नहीं सकती जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबे अथर से निकली हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि यकीनन मोमिन हुस्न अखलाक के ज़रिए दिन को रोज़ा रखने वाले और रातों को क़याम करने वालों का दर्जा हासिल कर लेता है। और इसके साथ साथ ही इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि
तुम्हारा अपने मुसलमान भाई के लिए मुस्कुराना भी सदका है। यानी अगर हम किसी को, किसी की वैसे मदद नहीं कर सकते तो मुस्कुराना भी एक सदका जारिया है। अच्छा, कुछ लोगों के चेहरों पे तो मुस्कुराहट भी नहीं होती, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे, क्योंकि वो लोग होते होंगे जो दिल से सोचते हैं। कुछ लोग दिमाग से सोचते हैं, कुछ लोग दिल से, चेहरे पे मुस्कुराहट। कुछ लोगों का दिमाग दिल में होता है, ये भी है बिल्कुल। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो अमल सबसे ज्यादा जन्नत में दाखिल कराएगा वो अल्लाह ताला का डर और अच्छा इखलाक है। और बेशक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि बेशक उस शख्स पर अल्लाह आग हराम कर देता है जो नर्म खू हो, खुश इखलाक हो और लोगों के करीब हो। इस रमज़ान ट्रांसमिशन में हम जो अपना हिस्सा शामिल करते हैं, दरअसल हम कोशिश ये करते हैं कि कुछ बातें हम आपसे भी सीखें, कुछ हम उलमा कराम से, यकीनन उलमा कराम से तो हमने दीन सीखना ही उन्हीं से है, और कुछ अपने अमल के ज़रिए कुछ ऐसा काम कर जाएं कि वो अच्छा काम कर जाएं कि जिसको देखकर हमें देखकर भी बहुत से लोग कुछ सीखें। तो सीखने का अमल हमेशा जारी रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप अपने बड़े से ही सीखें, हम किसी छोटे बच्चे से का भी अच्छा काम देखकर उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन बेसिक चीज़ है इखलाक, कोई भी चीज़ इखलाक से की जाए। बल्कि मैं एक बड़ी खूबसूरत बात आपको बताऊँ कि जो इस माशरे में बहुत कम पाई जाती है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुमने किसी को संवारना है तो उसको तन्हाई में नसीहत करो। अगर तुमने उसको तन्हाई में नसीहत की तो गोया तुमने उसको संवार दिया। लेकिन अगर तुमने उसको महफिल में नसीहत की तो गोया तुमने उसको मजीद बिगाड़ दिया। क्योंकि महफिल में नसीहत करने से इंसान की इज्जत नफ्स मजरूह हो जाती है। और अब आप तारीख पर गौर कर लीजिए कि जिन लोगों को महफिल में समझाया गया या उनको डिग्रेड करने के लिए, अपने आप को सुपीरियर साबित करने के लिए जब जब भी कदम उठाया गया तो वो लोग बिगड़ते चले गए। और जिन लोगों को आपने या हमने या हमें कभी किसी ने अच्छे तरीके से तन्हाई में समझाया तो उसमें हमें खुद इंसान को गौर करने का मौका मिलता है। तो हमें चाहिए कि हम सबको, और हम सबके लिए दुआ भी करते हैं कि हम सब हुस्न इखलाक के ज़रिए सबके साथ पेश आए। बिल्कुल ऐसा ही है, और आप में तो है ये चीज़ माशाल्लाह। अल्लाह करे हो, आपको अगर ऐसा लगता है तो हम तो कोशिश करते हैं, सब में होनी चाहिए जी। थैंक यू वेरी मच। तो मेरे ख्याल में हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ये भी हुस्ने अखलाक है, क्योंकि देखिए अगर हम ब्रेक नहीं लेंगे तो जिन लोगों ने हमारे साथ तावुन किया उनके साथ गैर इखलाकी हरकत हो जाएगी। तो अच्छे अखलाक की निशानी है कि हम ब्रेक लें। ब्रेक के बाद आप ऐड देखिए, एडवर्टाइजमेंट देखिए, उसके बाद हम थोड़ी देर बाद दोबारा वापस आते हैं। आप भी कहीं जा रहे हैं, हम भी कहीं जा रहे हैं, किचन में जाने का भी टाइम मिल जाएगा ना, कुछ बना रही होंगी तो। हाँ, आप तैयारी कर लें, क्योंकि आगे हम आपको जो उन्होंने बताया है, नौरीन ने नहीं बताएंगे अभी। जी जी, ओके। अभी हम जो ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक पे जा रहे हैं, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम किचन में जाएंगे, और किचन में जाके हम आपको बताने वाले हैं कि आज की शॉर्ट टाइम में कौन सी ऐसी डिश है जो हमारी शेफ बना के दिखाने वाली है। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे विद अस। वेलकम बैक, हम आ चुके हैं वापस, और आप देख रहे हैं रमज़ान सबका सब टीवी पे इफ्तार ट्रांसमिशन। और इस वक्त हैं हम अपनी ट्रांसमिशन के किचन में अपनी शेफ के साथ, और हमारी शेफ हमें क्या बना के खिलाने वाली है आज। आज हम जो बना रहे हैं वो है अंडे के फ्रिटर्स, मतलब एग पकौड़ा, अंडे के पकौड़े बने। अंडे, पहले बताएं पहले क्या कहा था? एग फ्रिटर्स, फ्रिटर्स पकौड़ों को इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। उसके साथ हम एक बनाएंगे रेड लेडी। ओके, रेड लेडी। हाँ, रेड लेडी लेमनेड है, वो भी अच्छा सा बनेगा, एक ड्रिंक है, ठीक है। तो हम ये बनाएंगे, लिटिल रेड राइडिंग हुड भी बोल सकते हैं आप भी। हाँ। रेड मैनी लेकिन ये तब तक नहीं बन सकते जब तक आपको बेसन ना मिले। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली, सबसे मेन करेक्टर इस वक्त मेरा बेसन है, आपके पास है। हाँ। अच्छा अच्छा, मैंने इसमें क्या किया था, 6 से 7 मैंने एग्स लिए थे, उनको मैंने बॉईल करके हाफ कट कर लिया था इस तरह से राउंडल्स में, ठीक है। अच्छा, ये बेसन ये बीट कर रहे हैं, बीट हो चुका है, जी जी बिल्कुल हो गया। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा, ये कोरिएंडर चॉप्ड है, ठीक है, ये डलेगा इसके अंदर। नमक मैं इसमें डाल चुकी हूँ 1 टीस्पून। ये थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगी इसके अंदर, ठीक है, अराउंड 1/2 टीस्पून, ठीक है। जितना तीखा खाना है, हाँ, जितना अपनी मर्जी। अच्छा, ये इसमें थोड़ा सा गार्लिक पाउडर डलेगा, ये बड़ा मजेदार, ठीक है। हाँ, ये गार्लिक पाउडर इसमें आ गया, अराउंड 1 टीस्पून। जी जी,
वन टीस्पून इसमें ये आ गया और ये जीरा क्यूमिन सीड्स, ठीक है, ये इसके व्हाइट वाला जी व्हाइट सफेद जीरा, सफेद जीरा जी, ये इसमें आ गया अराउंड वन टीस्पून, ठीक है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या करना है, ये जो बॉइल्ड एग्स है हमारे पास, हम इसके अंदर ये डिप करेंगे, ओके, ठीक है। इसको यूं करके हमने प्री हीट ऑयल क्या है, हमें डीप फ्राई करेंगे, हमने प्री हीट ऑलरेडी कर लिया है इस ऑयल को, अब हम इसको यूं डालेंगे। अरे वाह भाई वाह, एक एक करके हम सारे इसको फ्रिटर्स को, अंडों को हम इसके अंदर डालेंगे। ऑयल हमारा भी थोड़ा सा रह गया है, हाँ सही से गर्म नहीं है। वैसे मुर्गी ने भी कभी सोचा नहीं होगा उसके अंडे के साथ क्या क्या एक्सपेरिमेंट होता है ना। हाँ, मुर्गी के साथ भी बहुत एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसने भी नहीं सोचा होगा, उसने भी नहीं सोचा होगा कैसी कैसी डिशेस बनती हैं। एग्जैक्टली, अच्छा सही है, ये पहली दफा डिश अंडे के पकौड़े अभी तो खा के पता चलेगा। मैंने ये अंडे के पकौड़े बनते हुए पहली बार देखे, मैंने भी रमजान ट्रांसमिशन सब टीवी के चैनल पर। डिफरेंट भी बनते हैं, मजे के भी बनते हैं। अच्छा, इसका मैंने एक डिप तैयार किया है, इसमें मैंने 3-4 टेबलस्पून मेयोनेज लिया, उसमें 2 टेबलस्पून मैंने डाले चिली गार्लिक सॉस और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाला पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर होता है लाइक वो जो कश्मीरी मिर्च होती है, उसको रोस्ट करके उसका पाउडर बना के वो बिल्कुल स्मोक्ड होती है, उसमें अंदर ऐड किया है। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, ये पकौड़ों की डिप होना जरूरी है, मतलब आई मीन ये तकरीबन 12 बनेंगे ना, 6 अंडों के जी टोटल कर लिए, टोटल किया आपने के 6 अंडे, उसको अगर हाफ किया तो ये 12 होंगे। कैलकुलेशन अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं इसको एज इट इज बॉइल्ड एग को हम एज इट इज उसको डिप करके डाल देते हैं, ऐसे कभी मत कीजिए, छिलका समेत फटते हैं। नहीं नहीं, लाइक जैसे मैंने बीच में से कट किया ना, तो बीच में से वो फटेंगे, तो इसको हाफ करके किया करें। दैट इज डेंजरस, कभी कभी पूरे बॉइल नहीं होते, नहीं वो करेंगे ही पहली दफा, तो उन्होंने जैसे सीखा वैसे ही बनाएंगे, क्योंकि ये सबके लिए नई डिश है और ये आप ट्रस्ट में बहुत मजे के लगते हैं। अगर छिलको समेत बनाए तो बना के देखिएगा, सवाल है, मैं तो वैसे नहीं, छिलको समेत नहीं बना सकते, छिलका तो पूरी फटेगा फिर ऑयल में। हाँ, इट्स डेंजरस, गलत है। हाँ, छिलका पकौड़ा जी, छिलका पकौड़ा। चलिए जी, ये हमारे फ्राई हो रहे, बस ये फ्राई होंगे, फिर हम इसको यहाँ सर्व कर देंगे डिप के साथ, फिर हम एक ड्रिंक बना लेंगे। अच्छा, तो फिर हम चलें आगे। हाँ, हम मेरे ख्याल में ब्रेक पे चलते हैं। ठीक है, ओके, चलिए जी, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ हमारे गेस्ट होंगे, उनसे भी आपको मिलवाते हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रमजान सबका, सब टीवी की खुसूसी अफ्तारी नशरियात। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस और मेरे साथ हैं को होस्ट सैयदा नताशा अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? एक दफा फिर ठीक हूं। एक बार फिर दोबारा ठीक हैं। ये बड़ा अच्छा सेगमेंट होता है जिसका इंतजार मुझे भी होता है और आपको भी होता है, क्योंकि इसमें नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना हम सब मिलकर पेश करते हैं। तो हमारे दरमियान जो मेहमान मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ कराता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मायनाज नाथवान नौखान मनकवत खान, जनाब हसन अयाज जाफरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं हसन भाई? ठीक ठाक माशा। कैसा गुजर रहा है रोज़ा? माशाल्लाह बहुत अच्छा। और क्या ख्याल है हसन भाई कि मैं चाह रहा हूँ कि आज कलाम कुछ ज़्यादा हो जाए, आपके बैठने का और आपके बैठने का फ़ायदा उठाएं। लाजिमत है हमारी और आपकी रूह की और ज़िंदगी की ग़िज़ा ये जिक्र है, जितना ज़्यादा हो जिक्र उतना हमारे रूह में ताकत है। बेशक ऐसा ही है। और नाज़रीन, दूसरी तरफ हमारे मौजूद मेहमान नाथवान, बेहतरीन आवाज़ है इनकी और बेहतरीन अंदाज़ बयान है, जनाब जुनैद चिश्ती साहब। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमारी बज़्म का हिस्सा बने। मैं चाहता हूँ कि आज हम सब मिलकर ऐसा समा बांधने की कोशिश करें कि हम पाकिस्तान से उठकर तसव्वुर में मदीना मुनव्वरा की गलियों की ज़ियारत कर लें।
ठीक है। तो हम इब्तिदा करते हैं हसन अज़ जाफरी साहब, आपसे दरख्वास्त है कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। ऐसी नात पेश कर रहा हूँ कि अभी शायर अलबैत अख्तर अब्बास लारबी साहब से अरे माशा कहलवाई थी नात मैंने, माशा हम और आप तो रसूल का जो जिक्र कर रहे हैं ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब रब कायनात जिक्र कर रहा हूँ अल्लाह वो नात उन्होंने एक नए आई डी पे लिखी मैं पेश कर रहा हूँ। माशाल्लाह। ए जाने दो आलम ए नबियों में खातम खुदाई तेरी तू शहंशाह आज़म हकीकत तो ये है जो रब्बे जहां है सुभान अल्लाह वो खुद कह रहा है ये उसका बयान है कि मैं दोनों जहानों का खालिक हूं लेकिन मोहम्मद नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मोहम्मद नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें अर्श पर खुद खुदा ने समारा है जो भी खुदा का वो सब है तुम्हारा लहू बन गया मवद्दत में तू है तुझे देख लूं बस यही आरज़ू है न रह पाई मेरी ज़बां भी कहे बिन सुभान अल्लाह वाह वाह मोहम्मद नहीं है तो कुछ भी नहीं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात है हसन क्या बात है माशाल्लाह अब मेरे ख्याल में आपका कलाम होना चाहिए जी मैं बिस्मिल्लाह पेश कर देता हूँ। ज़हे मुकद्दर हुज़ूरे हक से सलाम आया पयाम आया झुकाओ नज़रे बिछाओ पर के अदब का मकाम आया फ़ज़ा तक रहे हैं ये कौन सी ऐतरा आया ज़हे मुकद्दर और रमज़ान है कई लोग इस वक्त उम्रे पर होंगे और उसके बाद मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत कर रहे होंगे मेरा पैगाम काश के वहाँ की फ़ज़ाओं में गूंज जाए ये कहना और बहुत से लोग इस वक्त उम्रे के लिए जा रहे होंगे और जो मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत करेंगे उनके लिए उनके ज़रिए मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारा पैगाम लेकर जाइएगा ये कहना का बहुत से आशिक सुबह आया न शाम आया ज़हे मुकद्दर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
जुनैद चिश्ती साहब, आपसे दरख्वास्त है कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना पेश कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के उस जगह का तज़किरा किया, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सरकार अलैहिस्सलाम के रोज़े पे हम सबको जाने की तौफीक अता फरमाएं। उसी बात को मैं आगे लेते हुए बढ़ता हूँ। शायर कहते हैं, मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से, सुभान अल्लाह, मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से, महक गुलाब की आने लगी पसीने से, सुभान अल्लाह, मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से। आले नबी सफीने से मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से, क्या बात, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हसन भाई, बिस्मिल्लाह। फरहान, ये कलाम ऐसा पढ़ते हैं कि हम सब मिलके पढ़ते हैं उस कलाम को, जी, क्योंकि उससे भी हमारी जबान मजीद पाक हो जाएगी, उस जिक्र से महफिल मजीद मुनव्वर होगी। पेश कर रहा हूँ मैं, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, जहाँ ये होंगे वहाँ किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है, तो मुस्तफा ने कहा ला इलाहा मोहम्मद के गुलामों को धोखा
فقیری میں بھی شاہی شہنشاہی سے بھی قیمتی ہے تخت سے بھی بڑی تاج سے بھی ہنسی ذاکری ہے مصطفیٰ کی جو یہ نوکری ہے شہنشاہی سے بھی قیمتی ہے شہنشاہ یہ سب انبیاء کے ہر نبی کے در کا سناگر وہ سلمان بوزر یا قمبر سب کے سب ان کے در کے ہے نوکر سب فرشتوں کا سردار ہے جو اس کو بھی نوکری یہ ملی مصطفیٰ کی جو یہ نوکری ہے شہنشاہی سے بھی قیمتی ہے اب شیر ملاحظہ ہو قبر میں جا فرشتوں نے دیکھا میں ہوں مصروف ذکر نبی میں بھول بیٹھے سوالات سارے جھوم اٹھے وہ عشق نبی میں سننے آئے خود پنجتن بھی قبر میں خوب محفل سجی ہے سبحان اللہ قبر میں خوب محفل سجی ہے مصطفیٰ کی جو یہ نوکری ہے اور یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو جس پر عمل نہ ہو تو انسان مسلمان تو کیا انسان کہنے کے بھی لائق نہیں کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے بلکہ ہر مخلوق کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تو ہر مخلوق پر واجب ہے ان کا احترام جو ہے گستاخ میرے نبی کا اس سے نفرت ہے فرحان مجھ کو وہ جہنم کا ایندھن بنے گا یہ بتاتا ہے قرآن مجھ کو دشمن مصطفیٰ دشمن مصطفیٰ میرا دشمن ان کے عاشق سے دوستی ان کے عاشق سے بس دوستی ہے مصطفیٰ کی جو یہ نوکری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ کیا خوبصورت سما آپ نے باندھا ہے مشہور زمانہ کلام حق کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور الحمدللہ کرم کی بات جیسے آپ نے ابھی کی تو ایسے ہی کرم کی بات آگے بڑھاتے ہوئے لے کے چلتا ہوں کوئی سلیقہ ہے آرزو کا کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب کی بات ہے کہ ہم یہاں سرکار علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں شاعر نے خوبصورت بات کہی کہ یہ وہ ذکر ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق
जहाने बेशक हम आज हैं कल जहाना होंगे मगर ये महफिल सजी रहेगी ये सब तुम्हारा करम है क्या बात है जुनैद भाई यार ये बात सच हो गई कि मिर्ज़ा दबीर कहते हैं जो भी मसरूफ़ सलाम में शोहदा रहता है गो वो रहता नहीं पर नाम सदा रहता है। आपने जो शेर पढ़ा कि हम हो ना हो ये महफिल रहेगी लेकिन खुर्शीद अहमद साहब का जिक्र यहाँ करना इसलिए बनता है कि आपने उनका पढ़ा हुआ कलाम पढ़ा और उनका इस पाक महफिल में उनका जिक्र हो गया अल्लाह उनको गरी के रहमत फरमाए। बिल्कुल आप कलाम पेश करेंगे या हम ब्रेक नहीं मेरे ख्याल से आप ब्रेक पे जाएं ताकि ओके ठीक है अगले सेगमेंट की तरफ बिल्कुल बिल्कुल एक छोटे से ब्रेक की तरफ इतना कोई माशाल्लाह बरकत वाला इस वक्त माहौल बना हुआ है बेशक कि मैं आप लोगों को सुन रही थी और मैं किसी और जहान में थी इस वक्त माशाल्लाह तो वहां से आते हुए ना मुझे थोड़ा टाइम लगा अभी और आपने भी ये सोचा कि मतलब हम और आप तो तकरीबन रोज हैं तो हमारे मेहमान आए तो आज इनको मौका दिया गया हम ब्रेक की तरफ जाते हैं और फिर ये वाली बातें हम ब्रेक में करेंगे विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर प्लीज स्टे विद अस वेलकम बैक हम आ चुके हैं वापस और आप हैं हमारे साथ रमज़ान सबका इफ्तार ट्रांसमिशन में सब टीवी पे और हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो एक ट्रस्ट चलाते हैं शफाफ ट्रस्ट के नाम से और बहुत ही कुछ सवाब का काम कर रहे हैं तो हमने सोचा कि उनको यहाँ अपनी ट्रांसमिशन में बुलाया जाए और आप लोगों से इंट्रोड्यूस कराया जाए ताकि आपको भी जो मुस्तहिक लोग हैं देखने वाले उनको उनसे फ़ायदा हो तो प्लीज़ वेलकम शुजात बरनी साहब अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रिया आप हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने जज़ाकअल्लाह आप जैसी शख्सियत जब आती हैं तो हमारे लिए और देखने वालों के लिए तो मोटिवेशन है कि आप जिस तरह से खिदमत कर रहे हैं खल्के खुदा की अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको इस कार्य खैर में साबित कदम रखे आमीन आमीन जज़ाकअल्लाह आप कुछ सवाल करना चाह रही हैं जी जी नहीं आप करें मैं तो यही बस कहना चाह रही कि आप जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह मेरे सुनने में जब आया कि आप ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं उन घरानों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको आप घर फराहम कर रहे हैं आसान एक साथ पर और उस पर जो आपने एक और सवाब का काम पकड़ लिया है वो तो माशाल्लाह आप इस मामले में बहुत आगे जा रहे हैं कि अल्लाह ताला से सवाब का काम मैंने कैसे लेना है और मैंने कैसे कमाना है तो वो जो आप कर रहे हैं कि जैसे कोई आपने किसी को घर आसान एक साथ पे दिया अगर उस घर का मालिक और या सरबरा का इंतकाल हो जाता है तो आप उनकी एक साथ माफ कर देते हैं फ्री उनके लिए क्या बात है क्या बात इसका कोई क्राइटेरिया हाँ। भी खास तौर पे यानी आपको एप्लीकेशन आपको दी जाती है पहले से या आप खुद देखते हैं कि कौन मुस्तहिक देखिए बात यह है कि मैं थोड़ा सा बताऊं आपको कि शफाफ ट्रस्ट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो उन इश्यूज पर काम करना चाहती है उन इश्यूज पे काम कर रही है जो बुनियादी है अच्छा जो ग्रास रूट पर मुश्किलात हो रही हैं मिसाल के तौर पर जैसे हम काम कर रहे हैं इस वक्त ट्रांसपोर्ट पर हम काम कर रहे हैं इस वक्त घर पर सबसे बड़ी बात इस वक्त जो घर है जो हम लोगों को घर दे रहे हैं बनाकर वो इस तरीके से दे रहे हैं मैं आपको बता नहीं सकता कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे डिफरेंट काम कर रही है बहुत अच्छे काम कर रही है लोगों को जो है दस्तरखान दे रही है उनको जो है राशन दे रही है उनका दफन कफन शादी ब्याह बहुत सारी काम कर रहे हैं बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं फलाई इदारे हमारे ना लेकिन हम हमारे जो फलाई इदारे हैं वो उनको ना मछली पकड़ना नहीं सिखा रहे अब उनको जो है भिखारी बनाया जा रहा है मसला सबसे बड़ा बुनियादी मसला है ये कि आप जो है उनको मछली पकड़ना नहीं सिखा रहे उनको प्लेट में जो है ना पार्सल दे रहे हैं उनको अब हडरामी की तरफ जो है लोग जा रहे हैं लिटरली बता रहा हूं देखिए हमने प्लान ये करा कि आया के बुनियादी हक जो है वो है घर जी ठीक है एक घर का एक अगर जो रेंट पर रहने वाला बंदा है वो कमा क्या रहा है इस वक्त उसकी सैलरी क्या है इस वक्त महंगाई का जो तूफान है वो हम सबके सामने है इस वक्त रमजान में बंदा कर क्या रहा होगा इससे पहले कोविड आया ये प्रोजेक्ट हमारा शुरू ही कोविड में हुआ था स्टेप क्या है इसका पहले किसी को चाहिए घर तो क्या देखिए सबसे पहला स्टेप हमारा प्रोसेस क्या है मैं बता रहा हूँ आपको कि देखें हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट जो हमने लॉन्च किया था वो यही किया था कि जिनका घर नहीं है जो लोग 35 35 40 40 सालों से रेंट पर रह रहे हैं
उनको जो है उनको ख्वाब पूरा होना चाहिए। वो किस तरीके से होना चाहिए मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि जब फर्स्ट कोविड आया था तो एक एप्लीकेशन हमें मौसूल हुई थी, बहुत सारी एप्लीकेशन आ रही थी जिसके अंदर रेंट का बड़ा जोर था कि घर का रेंट जो है वो नहीं दे पा रहे हम नहीं अदा कर पा रहे, तो मालिक मकान हमें घर से बरतरफ कर रहा है, हमें निकाल रहा है, हमारा घर का सामान बाहर फेंक कर हमें रोड पर लेकर आ रहा है। कुछ एप्लीकेशन ऐसी थी, कुछ एप्लीकेशन ऐसी जो मंजर आम पर आए जिस पर हमने ये प्रोजेक्ट प्लान करा कि भाई करना चाहिए क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे काम कर रही है। तो हमारे पास जो एप्लीकेशन मौसूल हुई वो ये हुई कि हमारा मालिक मकान जो है वो हमारी बच्चियों पर नजर रखा हुआ है। अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो जब ये एप्लीकेशन हमारे पास आई है तो आप यकीन नहीं करेंगे कि हमने तो पहले तो उस फैमिली विक्टिम को बुलाया, बुलाने के बाद हमसे जो हो सकता था फर्स्ट जो हमारे साथ फर्स्ट एड हो सकती थी हमने वो प्लान करा कि हमको बुलाया, बुलाने के बाद जो है हमने उस मालिक मकान को बुलाया, दोनों को अलग अलग कमरे में बिठा कर उसकी तो सबसे पहले जो खिंचाई करी यार तुम ये क्या कर रहे हो, ये एप्लीकेशन हमारे इदारे में मौसूल हुई है। तो उसने माफी मांगी, माफी मांगने के बाद जो है उसने पैचअप कर दिया, बहरहाल वो अभी भी वहीं पर रह रहे हैं। तो हमने उनको माफ करवाया, कुछ हमने पेड करा उनका रेंट। सही। अब जब ये तमाम चीजें हो गई ना, होने के बाद हमने कहा कि यार कुछ ऐसा करना चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कि जो बुनियादी हक है वो है घर, छत। बिल्कुल। क्योंकि जब उसका घर अपना होगा ना तो देखें वो मांग कर भी जो है ना गुजारा कर सकेगा, राशन उसको मिल जाएगा, उसको दो कपड़े भी मिल जाएंगे, लेकिन कोई उसके घर पर दरवाजा नहीं बजाएगा आकर कि घर खाली कर दो, घर खाली कर दो, अपने बच्चियों को, जवान बच्चियों को घर से बाहर कर दो या अपने छोटे बच्चों को रोते हुए जो है रोड पर ले आओ। तो हम ये नहीं कह रहे कि हमने बहुत सारे घर दे दिए, नहीं, बोलना बहुत आसान है कि घर दे रहे हैं जी जी, लेकिन इस वक्त इस प्रोजेक्ट को 1 से 1.5 साल हो चुका है और हम अब तक 4 लोगों को घर दे चुके हैं। माशाल्लाह। अच्छा आप ये देखें ना कितना अहम है और हम 4 लोगों को घर दे चुके हैं, बड़ी बात है। अब जिस रेट पर हम चीज प्रोवाइड कर रहे हैं हम उसमें भिखारी भी नहीं बना रहे, हमने ये भी नहीं कहा कि भाई आ जाओ फ्री में बांट लो ले जाओ, नहीं कर रहे ऐसा। जिसको जरूरत होगी, जो वाकई ये सोच रखा हुआ होगा कि मुझे अपना घर करना है, अपने बच्चों को घर कर कर देना है, वो आ रहा है। उसको क्या रिलीफ दे रहे हैं आप, किस तरह हम रिलीफ दे रहे हैं मैं बताता हूँ। देखिए हमने वहां पर जो है बेसिकली 80 गज का ये प्लॉट है, ये बेसिकली बैलेट फाइल है, सेक्टर 53 का ये प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या है, ये वो मुस्तफा कमाल के दौर में जब ये नाले कटे थे तो उनको फाइलें दी गई थी, मैं वही बात लेकर आ रहा हूँ कि उनको फ्री में दी गई थी फाइलें कि लो और जाके आबादी करो और ये चेक है हमारी आवाम। उन्होंने वो फाइलें वहां पर इन्वेस्टर्स को भेज दी और वो चेक कैश करके खा गए। अब वहां पर आबादी नहीं थी, उन्होंने बोला कौन जंगल में जाएगा, छोड़ो ये इन्वेस्टर्स को देता, रफा दफा करतेंगे कुछ पैसे आ जाएंगे। अब वही फाइलें जाहिर सी बात है आबादी हो गई ना, कहां तक जाके कराची खत्म नहीं हो पा रहा हमारा, जहां तक नजर जा रही कराची है, थोड़ा सा और कराची इन्होंने अंदर ले लिया कि भाई कराची हमारा कराची है। तो अब वही बात आ जाती है कि हमने उनको जो है जो प्लॉट्स थे, कुछ हमारे साथ मुखिया हजरात ज्वाइन हुए, कुछ इन्वेस्टर्स हमारे साथ ज्वाइन हुए, उन्होंने बोला कि भाई हम हमारा ये प्रोजेक्ट है, ये प्लान है हमारा, हम ये नहीं कह रहे कि हम हजारों घर दे रहे हैं, हजारों की तादाद में घर दे रहे हैं, नहीं, हम जो दे रहे हैं जो हमारी औकात और हैसियत है, जो हम करना चाहते हैं वो इतना है। ये भी बहुत बड़ी बात। देखिए बात ये कि मैं अपना हक अदा कर रहा हूँ, मैं वही चुड़िया की माने दूं जो अपनी चोंच में पानी लेके जा रहा हूँ, मैं वो हक अदा कर रहा हूँ एक सोशल वर्कर की हैसियत से, एक फलाही इदारे की हैसियत से। हम क्या कर रहे हैं, हम उन लोगों को घर क्या दे रहे हैं, किस तरीके से दे रहे हैं कि भाई 80 गज का प्लॉट है उस पर हम बनाकर दे रहे हैं हमारी एक अमाउंट है 5 लाख रुपए। नहीं दे सकते कोई मसले की बात नहीं, आप एप्लीकेशन लिखिए, जितनी अमाउंट है आप जमा करवाइए, ठीक है, जो वहां पे घर बने हुए अगर आपको पसंद आ रहा है कि जनाब ये घर, अच्छा उसमें भी हमने बहुत ज्यादा फैसिलिटेट रखा है। ये उसी जगह की बात कर रहे हैं जी, जी, जो जो जी जनाब जी, अगर मैं भी घर बांटना शुरू कर दूं तो देखो कोई मुस्तैक थोड़ी आएगा, वही होगा कि जनाब अंधा बांटे रहे अभी अपना। यही सवाल करने का मकसद ये था कि क्राइटेरिया क्या है आपका। क्राइटेरिया सर यही है कि रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, उसकी वेरिफिकेशन होती है, ठीक है, सैलरी पर्सन है, सैलरी स्लिप शोज होती है, अब सैलरी स्लिप दिखाता है बंदा, ठीक है, सेकंड हमारी वेरिफिकेशन होती है, हमारे मेंबरान जाते हैं देखते हैं और ऐसे देखते हैं कि दिल आजारी ना उस तरीके से हम उनको जो है चेक एंड बैलेंस, बिल्कुल चेक एंड बैलेंस रखते हैं। उसके बाद फिर हम उनको जो है इस वक्त जो हमने चाबियां दी हैं वो चाबियां रमजान के सबसे पहले अशरे में हमने प्लान ये करा था कि हमने देनी है, ठीक है, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह 4 लोगों को चाबियां दे दी। अब किस तरीके से चाबियां दी कि जनाब ये चाबी आप जाकर ले लीजिए। अब वहां पर क्या करना है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टंकी रखनी है, मोटर रखनी है, इवन वायरिंग भी मौजूद है, बल्ब और पंखा लगाना है उन्होंने, ओके, ठीक है। अगर सोशल मीडिया पर आप देखेंगे कि जो हमारा मॉडल तैयार हुआ, जो फर्स्ट मॉडल ही हमारा तैयार हुआ था, तो लोगों ने बोला था यार क्या कर रहे हैं आप, ये तो आप बिल्डर्स की और जो बड़े बड़े जो स्टेट एजेंट्स हैं आप तो उनकी कमर तोड़ रहे हैं। तो मैंने कहा जब मैं एक सोशल वर्कर एक फलाही इदारा ही काम कर सकता है
तो सोचिए कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो क्या नहीं कर सकती, गवर्नमेंट लेवल पर क्या नहीं कर सकती। हो सकता है। मतलब मैसेज है मेरा ये जी, जी, हुकूमती सतह पर और उन तमाम फलाही इदारों करना चाहे तो करना चाहे तो देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश करने पर ये काम हो रहा है। अच्छा ये भी तो होता है ना, देखें शुजात भाई कि बहुत सारे इदारे जो काम कर रहे हैं जाहिर है तो हर इदारा जो है वो अपने डोनेशंस के उस फंड पर चलता है। बिल्कुल। जैसे सपोज दैट आपने एक आपका एक मोटो है, आपने एक डिजाइन कर लिया कि हमने घर देने हैं, उस हिसाब से आप वर्किंग करेंगे, उस हिसाब से आप डोनर से बात करेंगे। तो बहुत सारे इदारे जो अपने अपने तौर पे काम कर रहे हैं, कोई खाने का काम कर रहा है, कोई एजुकेशन के लिए काम कर रहा है, कोई मेडिकल के लिए काम कर रहा है, तो ये भी तो हो सकता है कि हर इदारे के पास हर काम करने का फंड ना हो। तो हो ये भी, ये ज़्यादा बेहतर ये नहीं होगा कि आप हर इदारा आपस में बैठकर ये बात करें कि आप एक एक डोमेन ले लें। ज़ाहिर डोनर्स तो वही हैं जो आपके पास हैं, अगर पाकिस्तान के पाकिस्तान से बाहर भी जो डोनेशन दिया जाता है वो ज़ाहिर हमारे पाकिस्तानी ही, ज़ाहिर ज़्यादा से ज़्यादा 90% पाकिस्तानी ही दे रहे हैं जो पाकिस्तान में दे रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर। इसके अलावा दूसरे ममालिक के लोग भी आपको फंड जनरेट करते हैं। तो बहरहाल आपका काम बहुत अच्छा है जिस तरह से आप कर रहे हैं, और आपने बिल्कुल सच्चाई के साथ कहा कि आपने चार घर दिए, आपने ये नहीं कहा कि हमने 4 लाख घर दे दिए, 4 लाख घर दे दिए, लेकिन बहरहाल जितना भी किया हमारी दुआ है कि अल्लाह आपको और कामयाबी अता फरमाए और ज्यादा आप काम करें। मैं ये जानना चाहती हूँ कि लेट्स सपोज आपने किसी को 5 लाख रुपए की कंस्ट्रक्शन करके दी है, तो क्या आसानी आपने दी है उसकी एक साथ को पूरा करने के लिए? और डेफिनेटली आप ये भी देखते होंगे कि इसका रोजगार क्या है और ये कितना कमा रहा है, तो उसको आप कितनी आसानी फराहम करते हैं? देखिए बात में मैं बता दूं आपको कि ये सिर्फ 5 लाख का नहीं है, ठीक है? उसकी जो लेट्स सपोज मैं बता रहा हूं, मैं पूरा सिनेरियो बता रहा हूं कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है। देखिए जो इस वक्त कॉस्ट आपको पता है कि हर एक चीज की जो है ना, सीमेंट से लेकर मतलब मैं जी हर चीज की मतलब कॉस्ट। और मजेदार बात ये कि हमने जो बुकिंग लोगों ने दी थी हमें, वो दी थी जब माहौल सस्ता हुआ करता था। जी और अब जब हम परचेजिंग कर रहे हैं तो आप यकीन नहीं करेंगे कि जो चीज 2 रुपए की थी वो 10 रुपए की हो रही है। वो महंगाई नहीं आई है, महंगाई नहीं हुई है, मैं बता रहा हूँ लिटरली। ये भी एक माफिया है बहुत बड़ी, जो महंगाई 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 महंगाई, ये लिटरली एक माफिया है। इवन ये आप, मैं बता नहीं सकता इस वक्त आपको कि इस वक्त जो हम घर दे रहे हैं ना, सिर्फ इसी बात पर दे रहे हैं कि लोगों की अपनी छत हो जाए। इस वक्त इस मुश्किल घड़ी में किसी की अगर छत हो जाती है तो हम ये समझते हैं कि हम अपना हक अदा कर रहे हैं। इस वक्त हम जो 5 लाख रुपए उनसे ले रहे हैं, 5 लाख रुपए नहीं है उनके पास, कोई मसले की बात नहीं है। एप्लीकेशन दें, जितनी अमाउंट है 10 रुपए दो, दो अच्छा लेकिन दो जितना दे सकते हो, दो हर महीने उसके बाद फिर बिल्कुल दो। देने के बाद हमारे कुछ मुखिया हजरात हैं, कुछ इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट भी इस तरीके से कर रहे हैं, हम उनसे भीख नहीं मांग रहे, ठीक है। कुछ सादात सैयद घराने के लोग भी हमारे पास ज्वाइन हो रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम जकात को बता कर दें कि भाई जान ये जकात के पैसों का घर बना। लिटरली हमें इसको ये बड़ी बहुत जरूरी, ये हर ये नहीं देखा, कोई नहीं देखता, क्योंकि जो सादात होते हैं वो सदका खैरात नहीं जाती, बिल्कुल, और उनके लिए सहमे सादात ही होता है, या जो इंसान अपने तौर पर वैसे ही दे दे के गिफ्ट के तौर पर दे दे, और ये फिल्टर करना बहुत जरूरी होता है। बताना। जाते जाते आप कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारी पाकिस्तानी कौम को जो देख रहे हैं इस वक्त आपको? देखिए मैं आपके, या कैसे लोग आपकी मदद कर सकते हैं, क्या तरीके? मैं आपके चैनल के तवस्सुत से बस ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वक्त बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो बुनियादी हक है घर, तो इस वक्त शफाफ ट्रस्ट जो लोगों को आसान एक साथ में घर दे रहा है वो बहुत मुश्किल से दे रहा है। मतलब ये समझ लें कि बहुत, हमने कह दिया ना कि घर दे रहे हैं, मतलब उसकी कंस्ट्रक्शन से लेकर उसकी वायरिंग, उसके प्लम्बरिंग, उसकी इच एंड एवरीथिंग, मतलब बल्ब और सिर्फ पंखा और टंकी रखनी है और मोटर रखनी है, बस ताले भी लगे हुए, दरवाजे भी लगे हुए, खिड़कियां भी लगी हुई, तमाम चीजें लगी हुई है। इसको बनाने में, इसकी क्वांटिटी को बढ़ाने में हमारी मदद करें, और हमारे इदारे की तमाम चीजें मौजूद हैं, वेबसाइट है, अकाउंट्स हैं, www.shafaftrust.org के नाम से। और आपका एड्रेस, ऑफिस का एड्रेस? हमारा ऑफिस है मेन करीमबाद फैसल बाजार पर, फर्स्ट फ्लोर फैसल अपार्टमेंट में, ऑफिस नंबर 16। यहाँ पर जो है वो आ सकते हैं, वेबसाइट पे तमाम डिटेल्स मिल सकती हैं। सोशल मीडिया इस वक्त शफाफ आसान घर के नाम से अगर सर्च करेंगे तो हम जो कर रहे हैं थोड़ा सा कर रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं, तमाम कॉन्टेक्ट मिल सकती है। तो नाज़रीन शुजात बर्नी साहब ने बेहतरीन अंदाज से हमें बयान किया और बताया कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि हम सबको क्या चाहिए, हमें किस तरह से एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। और हमारी भी दरख्वास्त है कि आप शफाफ ट्रस्ट का साथ दीजिए,
ताकि जो लोग बेघर हैं वो घर हासिल कर सकें। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद, देखते रहिए रमज़ान सबका। इसके बाद जब हम आएंगे तो नेक्स्ट सेगमेंट हमारे साथ, देखते रहिए रमज़ान सबका। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रमज़ान सबका, सब टेलीविजन की खसूसी अफ्तारी नशरियात। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस, और मेरे साथ हैं नताशा अली। नाज़रीन, अब उस सेगमेंट का वक्त आया है जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है, जिसमें हमारे दो कंटेस्टेंट होते हैं, और कल तो उन्होंने तकरीरी मुकाबला किया था, और आज क्विज़ है। और क्विज़ में होगा कुछ ऐसे नताशा जी, रोज की तरह के एक टीम आपकी होगी, एक हमारी टीम होगी। ये जो ए हैं, ये शुएब जैदी साहब, ये मेरे साथ हैं, ठीक है, और दूसरे हैं साद अहमद, ये आपके साथ होंगे। होगा कुछ यूँ कि हम पांच पांच सवालात करेंगे, शुएब जैदी आपसे पांच सवाल मैं करूंगा, और साद आपसे पांच सवाल नताशा करेंगे। ये होगा पहला राउंड हमारा, और जिसका नाम है इस्लामी मालूमात। और हसन भाई, हसन अज़ जाफरी साहब जो हैं वो हमारे जज हैं इस राउंड के, और आप जजेस के फ़राइज़ अंजाम देंगे। आप वन एंड ओनली जज हैं, हम तो सिर्फ सवाल करेंगे। और माशाल्लाह शुजात बर्नी साहब, आपका यहाँ बैठना इनके लिए हौसला अफजाई का बाइस। इजाज़त है तो मैं सवाल शुरू करूँ? आइए, बिस्मिल्लाह। तैयार हैं भाई आप? शुएब जैदी जी, कर लूँ सवाल शुरू? बिल्कुल जी। पहला सवाल है आपसे कि तरतीब के एतबार से कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत का क्या नाम है? सूरह फातिहा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सोच जी, लें जी जी, बिल्कुल पक्की बात है जी, बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, दूसरा सवाल है, खाने काबा की तामीर पहली बार किसने शुरू की? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अरे यार, दूसरा भी सही जवाब दे दिया आपने, ठीक है। तीसरा सवाल है कि काबिल और हाबिल का आपस में क्या रिश्ता था? भाई भाई। अरे वाह वाह, भाई भाई, बिल्कुल ठीक जवाब। पहली वही में नाजिल होने वाली सूरत किस सिपारे में है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई? उसमें, उस वही में नाजिल होने वाली जो सूरत है वो कौन, कुरान मजीद के कौन से सिपारे में है? तीसवें पारे में शायद। तीसवें पारे में? कॉन्फिडेंट हैं जी? बिल्कुल पक्की बात है जी, बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे, ऐसी कौन सी नमाज है जिसमें रुकू नहीं किया जाता? नमाज जनाजा। नहीं, आप ये मुझसे पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? बता रहा हूँ मैं तो, लहजा आपका तो ऐसा नमाज जनाजा ये तुक्के वाला स्टाइल था, लेकिन बहरहाल बिल्कुल सही जवाब है। आइए नताशा, आपकी तरफ चलते हैं। साद अहमद, आपसे पहला सवाल है, वो कौन सी सूरतें हैं जो एक साथ नाजिल हुई? सूरह नास और सूरह फलक। बिल्कुल ठीक। पांचवें कलमे को और किस नाम से मुखातिब किया जाता है? कलमा अस्तगफार के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल ठीक है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने के कितने भाई थे? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कितने भाई थे? 11। बिल्कुल ठीक है। कौन से नबी जानवरों और जन्नात से बातें किया करते थे? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। बिल्कुल ठीक। जन्नतुल बकी कहाँ वाक़े है? मदीना मुनव्वरा। ग्रेट, जबरदस्त। वाह जबरदस्त, पहला राउंड हो गया मुकम्मल। अब हमारा दूसरा राउंड है जिसका नाम है प्यारा पाकिस्तान, और ये बजर राउंड है। बजर राउंड है, बिल्कुल बजर राउंड है। इसमें होगा ये कि हम, मैं और नताशा रैंडमली आप से सवाल करेंगे, जिसने पहले बजल दबाया जवाब का मौका उसको दिया जाएगा, और वही उस सवाल का जवाब देने का हकदार होगा, और वही उन्हीं का जवाब काउंट किया जाएगा, और इसी हिसाब से फिर हसन भाई जजमेंट आपने करना। इसको भी पांच पांच सवाल करेंगे या इसमें? नो, इसमें एक सवाल मैं, एक सवाल नताशा, या हो सकता है मैं दो पहले सवाल जिसने बजर, अगर जैसे लेट्स सपोज मैंने सवाल किया है तो पहले जिसने बजर दबा दिया उसको जवाब देना है। सवाल हम में से कोई भी करे बजल, हाँ। राउंड जिस, बजल जिसने भी बजल दबाया जवाब का मौका उसको दिया जाएगा, ठीक है? तैयार हैं आप सब लोग? पक्की बात है? शुरू नताशा प्लीज जी। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली कौन सी जबान है? जी पंजाबी। ओके, बिल्कुल सही जवाब। पाकिस्तान का कौमी शायर कौन सा है? गालिब। दे सकते हैं क्या? नहीं, अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो सही वाला। अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है, पाकिस्तान का सबसे सरतरीन मुकाम कौन सा है? वैसे तो पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी K2 पाकिस्तान का सबसे ऊंचा हिस्सा है, तो वही सबसे ठंडा मुकाम है। नहीं, आप जवाब देना चाहेंगे?
अगला सवाल कर, जवाब बता दीजिए ताकि जवाब कर दू इस कर दू ठीक है। जहाँ पर हमने अभी रजब का कलाम रिकॉर्ड किया था अलीदा मलंग जी, ये केटू तो वहीं पे ही है ना, स्कर्दू में, मुझे जगह का नाम बताना था। अच्छा, पाकिस्तान के सबसे पहले चीफ जस्टिस कौन से हैं भाई? बहुत आसान सवाल है यार, तो पास है। चले ए से नाम आता है उनका, ऑप्शन आपको दे देते हैं, ए से नाम आता है। नहीं, डी पे खत्म होता है, चले अब इससे ज्यादा तो हम नहीं कर सकते। चले जवाब, चले इसको स्किप कर देते हैं। हाँ। जवाब है अब्दुल रशीद, जवाब दोनों में से किसी ने नहीं दिया। और अगला सवाल है, पाकिस्तान ने 1958 में गवादर किस मुल्क से लिया था? एक सेकेंड, अब किसने पहले, आपने आई थिंक पहले बजर पे, ओमान से। ओके गुड, ठीक है जी। पाकिस्तान का कौमी पहाड़ कौन सा है? अरे आपने तो बोलना ही था, चले बहरहाल केटू, केटू। अगला सवाल है जी, पाकिस्तान का कौमी दिन कौन सा है? 23 मार्च। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान के कौमी तराने में लफ्ज पाकिस्तान कितनी बार आया? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। 3 बार। आप क्या कहते हैं? 1 बार। एक बार, एक बार। आप कहते हैं 3 बार, आप कहते हैं 1 बार, लेकिन हमें मानना पड़ेगी शुएब जैदी साहब की बात, क्योंकि पाकिस्तानी तराने में लफ्ज़ पाकिस्तान 3 बार है, एक बार है, एक बार आया, एक बार है। तो यहाँ आपके सवाल खत्म हुआ। ठीक है, नहीं, अगला सवाल है, पाकिस्तान का कौमी दरिया कौन सा है? दरियाए सिंध। ओके गुड, ओके। अब आइए, पाकिस्तान की कौमी मस्जिद कौन सी है? शाह फैसल मस्जिद, बिल्कुल सही जवाब है। हमारे सवाल हो गए मुकम्मल जी, बिल्कुल। आपके भी मुकम्मल हो गए? जी मेरे भी मुकम्मल हो गए। पक्की बात जी, तो हम बैठ जाएं? बिल्कुल बैठ जाते हैं। चलें बैठ जाते हैं। अच्छा नाज़रीन, अब चलते हैं हम हसन अयाज जाफरी साहब की तरफ। हसन भाई, क्या रिजल्ट हुआ? क्योंकि आप रिजल्ट तो जरा सा काफी टिपिकल था, लेकिन मैं शुएब, आपकी क्या बेल बज रही थी क्या? क्योंकि आप मतलब पहले राउंड में तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा, आपकी बेल सही बज रही थी ना वैसे तो। हाँ, नहीं उनको अगर बज रही नहीं, हसन भाई तो कहना चाह रहे हैं कि आपके आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे ऐसी थी जैसे आप बार बार बेल बजा रहे हो, दब नहीं रही हो बेल। हाँ, थोड़ा ये देखें, लेकिन सवाल के टाइम पे तो बज गई थी यार। वो राउंड आप दोनों का बड़ा इक्वल, यानी कोई मिस तो नहीं हुआ ना आपका सवाल किसी बजल की वजह से? एक दो हुए, एक दो सपोर्ट में। ये क्या सवाल, ये तो सवाल यार, ये क्या ऐसे थोड़ी, क्योंकि देखें इस्लामी सवालात जो थे माशाल्लाह दोनों ने बिल्कुल इक्वल, नहीं लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज से लग नहीं रहा था कि आप बजर बजाना चाह रहे थे और आपसे बज नहीं रहा। ये अब आपकी हंसी बता रही है कि हाँ, तो प्लीज इतना तो हम भी समझते हैं, अभी भी शो आ रहा है, अभी भी शो आ रहा है। चले बहरहाल, जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आपके सामने ही है। चले, आपसे एक आध दफा मिस हो गया होगा, बहुत दफा थोड़ी मिस हो सकता है। चले जी, तो रिजल्ट बिल्कुल सामने का था, रिजल्ट जी वो तो क्लियर है। इतने सवालात आप लोगों ने किए और उसके हिसाब से साद ने मैक्सिमम जवाब दिए हैं, तो साद हमारे विनर हैं आज के माशाल्लाह। लेकिन शुएब जैदी, आपने बहुत अच्छी कोशिश की है और जाहिर है थोड़ा बहुत फर्क तो आता है, और लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से आप दोनों ने जवाब दिया, दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, और हमारे लिए तो ये खुशी की बात है, आप दोनों होनहार माशाल्लाह नौजवान हैं और यकीनन आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। या तो इंसान जीतता है या सीखता है, नहीं जीतता तो फिर सीख के ज़रूर जाता है। लेकिन बेस्ट ऑफ लक, आप यहाँ तक आए, हमारी दुआ है कि आप पूरी दुनिया में इसी तरह जाएं जैसे पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं, पूरी दुनिया में आप लाइव जाकर फिजिकली परफॉर्म करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। जीते रहें आप दोनों। थैंक यू सो मच। तो अब क्या वक्फा लिया जाए? मेरे ख्याल में वक्फा लेना चाहिए है, और तो हम मेरे ख्याल से ब्रेक लेंगे, किचन में हम बाद में चलेंगे। हाँ, तैयारी में ब्रेक पे जाने से पहले हम अपने गेस्ट का थैंक यू बोलेंगे। शुजात साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला, आप आए। जज़ाकअल्लाह। और हसन भाई, आप तो हमारे साथ ही हैं, हमारे साथ ही, लेकिन इस सेगमेंट में खास तौर पर हमारे साथ रहने का छोटा सा एक ब्रेक लेना जरूरी हो गया। आई विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, प्लीज स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रमजान सबका
सब टीवी की खसूसी अफ्तारी नशियात। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस, मेरे साथ मौजूद हैं सैयदा नताशा अली। ये सेगमेंट वो है कि जिसमें हम बहुत कुछ सीखते हैं, जिसमें आप बहुत कुछ सीखते हैं, इसलिए कि ये सेगमेंट है उलमाए कराम से रहनुमाई हासिल करने का। और रोज़ हम किसी न किसी मौजू को लेकर आते हैं और उसी के हवाले से फिर उलमाए कराम से रहनुमाई हासिल करते हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो है हुस्ने अखलाक। हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं मुमताज़ आलिम दीन जनाब सैयद मारिच रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम। कैसे हैं मौलाना साहब? ठीक हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रेश लग रहे हैं माशाल्लाह, चौथा रमज़ान है। सब्र के बाद एक वैसे ही नूर आ जाता है माशाल्लाह। आपके चेहरे पर तो वैसे ही नूर है जितना प्यारा जिक्र आप करते हैं माशाल्लाह। और दूसरी तरफ बेहतरीन आलिम दीन हमारे जाहिद असलम साहब, मौलाना जाहिद असलम साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से? आप भी बिल्कुल हशाश बशा। आपके चेहरे को देखकर, आप लोगों के चेहरे को देखकर, आपकी फ्रेशनेस को देखकर यकीन करें हम भी फ्रेश हो जाते हैं, जिस जज्बे के साथ आप लोग तशरीफ़ लाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि नताशा सवाल पहले शुरू करें, क्योंकि ब्रेक से पहले आपके जहन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे और वो सवाल की बहुत ज्यादा भरमार है। हर टॉपिक को लेके होते हैं क्वेश्चन, लेकिन ये टॉपिक आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हुस्ने अखलाक। और अखलाक अगर किसी का अच्छा है तो, जो मैंने पहले भी बोला था कि इंसान कंप्लीट है, और अगर किसी का अखलाक अच्छा नहीं है, वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी भी है तो वो कम्प्लीट नहीं है। कम्प्लीट नहीं है। जो लोग शोहरत पा लेते हैं या शोहरत याफ्ता होते हैं और बहुत पैसा होता है, वो अपने से कमतर को कुछ नहीं समझते, तो ये इखलाक से गिरी हुई एक चीज होती है। इस पर थोड़ी सी जरा रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अखलाकियात जो है वो इस्लाम, दीन इस्लाम में एक सब्जेक्ट रखता है, सब्जेक्ट की हैसियत, इसलिए कि अखलाकियात में कोई एक चीज नहीं आ जाती, बल्कि अखलाकियात में कई सारी चीजें हैं, कई सारे मौजूदात हैं जिनको अखलाकियात ने अपने अंदर समेटा हुआ है। उसमें मैं आपके सवाल को अच्छी तरह समझ गया, और मैं इसका जवाब थोड़ा सा अगर दकीक दे दूं तो इस पे तवज्जो करने की ज़रूरत होगी। परवरदिगार आलम ने अपने हबीब से इरशाद फरमाया, कुरान मजीद की आयत है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आयत पढूं, एक चीज़ वाजे कर दूं। जैसे मैंने कहा कि अखलाकियात का मौजू जो है वो बहुत वसी है, बेशक है। कोई भी हमारा एक अमल, हम ये नहीं कह सकते सिर्फ इस एक अमल का ताल्लुक अखलाकियात से, बल्कि बहुत से अमाल हैं जो अखलाकियात में जमा हो जाते हैं। सही। लेकिन हकीकत यह है कि उन तमाम मौजूआत को अगर कोई एक चीज अपने अंदर जमा किए हुए, यानी यूं कह लीजिए आजकल का जो दौर है, शॉर्टकट का दौर है, कि इंसान क्या करे अपने आप को अखलाकी मनाजिल में ऊपर, बुलंदी पर, उरूज पर पहुंचाने के लिए, तो परवरदिगार आलम ने अपने हबीब से इरशाद फरमाया, सूरह इसरा की आयत है, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाते हैं, वकुल लिइबादी यकूलु अल्लती हिया अहसन। ऐ मेरे हबीब, मेरे बंदों से कह दो कि जब भी बोलें अच्छे तरीके से बोलें। इन्ना शैताना यंज़ु बैनहुम, ये जो शैतान है ये इनके दरमियान फूट डालेगा। इन्ना शैताना काना लिल इंसाने अदुवं मुबीना, ये जो इंसान है, ये जो शैतान है, ये इंसान का खुला हुआ दुश्मन। बिल्कुल, ये तीन टुकड़े आयत के हैं। सही। अगर हम समझना चाहते हैं कि पहला टुकड़ा क्या है, तो आखिरी टुकड़े से मैं आगाज करूंगा, तरतीब को पलटूंगा। शैतान खुला हुआ दुश्मन है, वाज़े तरीन दुश्मन है, इसमें कोई शक नहीं है। ये शैतान वो है जो इंसानों के दरमियान आपस में फूट डालेगा। बिल्कुल। कैसे फूट डालेगा, किस तरह फूट डालेगा? कुल लिइबादी यकूलु अल्लती हिया अहसन, मेरे बंदों से कहो अच्छी तरह बात किया करें, एक दूसरे से अच्छी तरह बात किया करें। आप, मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, इस पर डिबेट हो सकती है बाकायदा। आप कोई भी बुरा अमल उठाए, आप कोई भी अच्छा अमल उठाए, आप उसको जरा खंगालें, चेन्स मिलाएं, सिलसिला बनाएं, एक कड़ी जोड़ें, आपको शुरू में अगर कोई चीज नजर आएगी वो होगी जबान। ये जबान वो है जो आपको मेराज पे पहुंचा देती है, ये जबान वो है जो आपको पस्ती पे गिरा देती है। इमाम अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन अलैहि सलातो वस्सलाम, इमाम की एक हदीस है, और वहां, यहां मैं वो हदीस नकल करूंगा और उसके बाद फिर नतीजा आपके हवाले करूंगा। इतनी खूबसूरत हदीस है, इमाम ने दो जुमलों में पूरी कहानी वाजे कर दी कि ये जो अभी मैंने आपके सामने बात की, ये मैंने इमाम के जुमले से ही इस्तेफादा किया। पूरी बात इमाम ने वाजे कर दी। इमाम ने फरमाया, इन्ना लिसान इब्न आदम यशरफू अला जमीअ जवारिही, ये जो जबान है ये कुल सबाहिन फयकूल, ये जो जबान है हर सुबह अपने मातहत जितने इसके आजाओ जवारे हैं, हाथ, पांव,
आंखें, कान, इन सब की तरफ नजर करती है और उनसे एक सवाल करती है। बहुत लतीफ हदीस है, अगर ये समझ में आ गई पूरी कहानी समझ में आ जाएगी और अखलाकियात आपकी मुट्ठी में होंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि ये जो जबान है ये अपने तमाम जवारे की तरफ नजर करती है और नजर करने के बाद ये एक सवाल करती है। वो सवाल क्या है? कैफा असबहतुम, यानी हर आज़ा से पूछती है, कैसे हो भाई तुम सब, क्या हाल है तुम्हारे। जानते हैं वो आज़ा जवाब क्या देते हैं? लतीफ, पूरी कहानी खुल के सामने आ जाएगी। वो जवाब देते हैं, बेखैरिन इन तरक्तना, बिल्कुल ठीक है अगर तुम रहने दो। समझिएगा इस बात को, हम बिल्कुल ठीक है अगर तुम रहने दो। अगला जुमला, इन्नमा नुसाबु व नुआकबु बिका, हमें सवाब मिलेगा तो तेरी वजह से, हमें सजा मिलेगी तो तेरी वजह से। यानी जितनी अखलाकियात में जितनी चीजें आती हैं सबके पीछे आपको जबान नजर आएगी। तो आप अगर मुझसे पूछ, और कुरान में जा बजा अखलाकियात के जो मौजू छेड़े हैं, कहीं पे कुरान तवाज़ो की बात कर रहा है, कहीं कुरान सब्र की बात कर रहा है, कहीं कुरान जबान की बात कर रहा है, कहीं कुरान चलने पे बात कर रहा है कि अपनी चाल को जरा आहिस्ता रखो, तकब्बुर के साथ ना चलो, अपनी आंखों को झुका के रखो, अपनी जबानों को, अपनी आवाज को झुका के रखो, चीख चीख के गुफ्त, ये तमाम चीजें क्या है? अखलाकियत। इन सब के पीछे, हर बुरे अमल के पीछे आपको जबान नजर आएगी। गीबत पीछे जबान, कत्ल पीछे जबान, हक तल्फी पीछे जबान, हक छीना गया पीछे जबान, हर चीज के पीछे जबान। तो अब अगर इंसान चाहता है ना कि अखलाकी मेराज को हासिल करे, ये जो आज हमारे यहाँ मसला बना हुआ है कि जो बड़े लोग होते हैं वो अपने मातहत के साथ जिस तरह बर्ताव करते हैं उनके पीछे उनकी जबान है। याद रखिएगा, खंजर से दिया हुआ जख्म इतना ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंचाता जितना जबान से दिया हुआ जख्म तकलीफ। बेशक बेशक। तो मैं समराइज करूं अगर पूरी बात को, तो वो ये है कि अगर इंसान चाहता है कि अखलाकी मेराज पर फायज हो जाए, अखलाकी मर्तबों को और मंजिलों को तय करता हुआ उरूज तक पहुंचे, इंदल्ला मुकर्रब हो जाए, एक चीज अपनी जबान पर सबसे पहले काबू रखे, सबसे पहले। माशाल्लाह। अब मौला अली अलैहिस्सलाम का एक कॉल मुझे आपकी बात से याद आ गया। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जब तुम दुनिया में रहो तो ऐसे रहो कि लोग तुमसे मिलने के मुश्ताक हों, और जब इस दुनिया से चले जाओ तो तुम पर रोएं और तुम्हारा अफसोस करें। जाहिद असलम साहब, आपकी तरफ आते हैं, ये फरमाइएगा कि बहुत सारे लोग हैं जो इखलाकियात की कमी जिनके अंदर है, बद अखलाकी का शिकार होते हैं और बद अखलाकी से पेश आते हैं, तो जो लोग हमसे बद अखलाकी से पेश आए तो हमारा क्या फ़र्ज़ है, हमें क्या करना चाहिए, हमें उनके साथ किस अंदाज से पेश आना चाहिए, क्या उसी अंदाज से जिस अंदाज से वो पेश आ रहे हैं, या हमें हुस्न अखलाक का मज़ाहरा करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن وإنك لعلى خلق عظيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا۔ آج کا موضوع اس معاشرے کے اعتبار سے اور اس دور کے اعتبار سے بڑا ضروری ہے، اور جس طرح کہ آپ نے سوال کیا کہ سامنے والا کس انداز میں ہے اور ہمیں کون سا انداز اپنانا ہے، ہمیں وہی انداز اپنانا ہے جو میرے آقا امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کے مقام میں اپنایا۔ سبحان اللہ۔ ہمیں وہی انداز اپنانا ہے جو میرے آقا نے مکہ کی گلیوں میں اپنایا۔ سبحان۔ ہمیں وہی انداز اپنانا ہے جو میرے آقا نے سرداروں کے ساتھ اپنایا اور غرباء کے ساتھ اپنایا اور فقراء کے ساتھ اپنایا۔ میں یہاں پہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بارے میں انہی کی روایت بیان کرنا چاہوں گا جو کہ بخاری شریف کے حدیث نمبر 6911 ہے، اور مسلم شریف کے حدیث نمبر ہے 2330، اور مسند احمد بن حنبل جلد 3 صفحہ 195 پہ آپ ہی کی روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ 10 سال آقا کی خدمت میں رہا، حالانکہ میں ان کا نوکر تھا، حالانکہ میں ان کا غلام تھا۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے کبھی بھی مجھے کچھ ترک کرنے پر یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا، اور کبھی بھی میرے کچھ کرنے پر یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کیا کیوں۔ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی میرے آقا نے اخلاق کو چھوڑ کر مجھ سے بات نہیں کی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی ایک روایت مجھے یاد آتی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ کبھی بھی پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کسی خادم کو، اپنے کسی غلام کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے۔ اور پھر اسی حدیث کے دوسرے الفاظ یہ بھی ہیں کہ کبھی بھی آپ نے سخت لہجے میں بات نہیں کی، کبھی بھی آپ نے، حالانکہ سامنے غلام ہے، سامنے نوکر ہے، ماتحت ہے، لیکن میرے آقا کا کردار، میرے آقا کی سیرت دیکھیے،
कि हुजूर ने कभी भी उनको अपने हाथ से नहीं मारा, लेकिन जब जिहाद में गए, जब ज़रूरत पड़ी तो हुजूर ने फिर अपना हाथ भी इस्तेमाल किया और हुजूर ने फिर ये सब किया। और अगर हमारे हमसे कोई बंदा बद इखलाकी से पेश आता है तो हमने अपना ईमान तो बचाना है, क्योंकि मेरे आका की हदीस पाक है, इन्ना मिन अकमलिल मुमिनीना ईमानन आसनम खुलुका, मोमिनीन में से सबसे कामिल तरीन ईमान वाला वो है जिसका इखलाक अच्छा है, यानी जिसका इखलाक नहीं है गोया उसका ईमान ही मुकम्मल नहीं है। उसकी कोई कोई एक हद तो होगी ना, यानी ऐसा ना हो कि वो जुल्म ही होना शुरू हो जाए बद इखलाकी के दौर में, यानी सिर्फ जबान से नहीं बंदा हाथ से बद इखलाकी शुरू कर दे, मारना शुरू कर दे, तो कोई एक हद तो होगी ना जहां तक हमें रुकने का हुक्म है। देखें इखलाक की कई किस्में हैं जी, हाथ के जरिए भी इखलाक है, बोलने के जरिए भी इखलाक है, जुबान के जरिए भी है, आपके किरदार के जरिए भी है जी। और मैं उन सारे सवालों का जवाब इसी बात की तरफ लेके आना चाह रहा हूँ कि अगर हम मुसलमान हैं ना तो हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकायदा एक दर्स दिया है। बिल्कुल, हुजूर ने फरमाया ना कि ईमान को तो बचाना है, अगर सामने वाला बद इखलाकी पे तुलाया वो जाहिल है, वाइदा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा, फिर भी कुरान ये दर्स दे रहा है कि अगर वो सामने वाला आपके इखलाकियात को नाजायज इस्तेमाल कर रहा है तो फिर भी आप उससे दरगुजर करके चले जाएं, क्योंकि वारिदानिल जाहिलीन, वो सामने वाला है ही बेअकल बेसमझ है, उसको अगर पता होता तो वो आपके साथ उस तरीके से ना बात करता जो कि इस्लाम ने हुक्म दिया है। और मेरे आका ने यह भी फरमाया कि ईमान को भी बचाना है, लेकिन अगर आपको ये पता हो कि वो जाहिल नहीं है जी, वो समझदार है और जानबूझ के कर रहा है, फिर उसमें यह है कि अगर सामने वाला गलत है तो आप गलत नहीं बनेंगे, आप अपना ज़र्फ़ जगाएंगे, आप अपना ईमान दिखाएंगे, आप उससे दरगुजर ही करेंगे। तो बेहतरीन जवाब की अगर बात आई है तो एक रिवायत मेरे जहन में आई है और अजीब व गरीब रिवायत है, इससे एक तो ये पता चलता है कि इमाम अपने चाहने वालों से मोहब्बत कितना, और दूसरा अखलाक का एक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि एक मरतबा इमाम ने अपने किसी गुलाम को किसी काम से भेजा कि ये काम कराओ, वो चला गया और काफ़ी देर हो गई, वो वापस पलटा नहीं, काम हालांकि इतना बड़ा था नहीं, तो वो इमाम उसकी तलाश में खुद पीछे गए। मैं जब भी ये रिवायत पढ़ता हूँ मेरा दिल अजीब हो जाता है, मतलब बहुत मामूली सी बात है लेकिन आप देखिएगा संजीदगी कितनी है जी। इमाम उसको ढूंढने के लिए खुद गए, तो जब गए तो देखा कि वो एक जगह जमीन पर लेटा हुआ सो रहा है, गाफिल हो गया, जो काम दिया था इमाम ने उससे वो गाफिल हो गया। अब आज की जो आज का जो मुआशरा है, हमारी जो थिंकिंग है, अगर वो लोग होते तो क्या करते, मोचड़े मार के उसको उठाते, नहीं उठाते, लात मार के उठाते कि मेरा काम क्यों नहीं किया तूने, तेरी ऐसी की तैसी और ये और वो। लेकिन ये वो है जो खुदा की तरफ से मुंतखब करता है, इसका कोई भी अमल मसलहत खुदा से रज़ा-ए-इलाही से खाली नहीं। बेशक ऐसे देखा कि वो लेटा हुआ है, लेकिन एक मसला ये था कि उसके चेहरे पर धूप पड़ रही थी, सही, गुलाम है इमाम का, उसके चेहरे पर धूप पड़ रही थी। अब मैं बीच का हिस्सा छोड़ रहा हूँ, मैं आगे की बात कर रहा हूँ। गुलाम कहता है कि जैसे ही मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरा इमाम, छठा इमाम, मेरे चेहरे पर अपनी अबा का दामन ऐसे करके बैठा हुआ है। जब तक मैं सोता रहा इमाम हटे नहीं वहां से, इमाम उसके ऊपर ऐसे अपनी चादर तान के बैठे रहे, क्यों, क्योंकि धूप उसके चेहरे पे पड़ रही थी। इमाम जुल्म नहीं करेगा, इमाम को गवारा नहीं है कि अगर अपने गुलाम से कोई गफलत हो गई हो तो इमाम उसे मारे या तशद्दुद करके अपना काम करवाए। उसके बाद इमाम ने एक जुमला कहा, इमाम ने कहा देखो तुम गुलाम हो हमारे, ठीक, रात तुम्हारे सोने के लिए और तुम्हारा दिन हमारे लिए, ये है अखलाक। जब अहल बैत अतहार मैदान करबला में है, आप वहाँ पर पहुंचे हैं तो बदबख्तों ने क्या किया कि जो वो कर सकते थे बज़ाहिर पानी भी बंद किए, सब मजालिम किए यजीदी फौज ने। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में ये है कि आप अपने खेमे के अंदर जलवा घर हैं, तो उस मैदान के अंदर कुछ वो लोग भी थे कि जो पानी से प्यास की बिना पर आए, खेमे से आकर आवाज़ लगाई कि हमें अलातश अलात की आवाज़ें आईं, तो आपके पास वो पानी रखा हुआ था, आपने पानी उठा के दे दिया, तो आपके ग़ुलामों में से किसी ने कहा कि हुजूर उन्होंने तो हमारे साथ ये किया था, उनका तो ये किरदार था और आप उनको दे रहे हैं। आपने फरमाया कि वो उनका ज़र्फ़ था, ये अहले बैत अतहार का ज़र्फ़ है। और ऐसे ही जनाब हुर के लश्कर के साथ दियो, बल्कि एक बड़ा खूबसूरत वाकया, आप तो ज़ाहिर है आपने तो इस वाक़े को पढ़ा भी है, सुना भी है, लेकिन जो ट्रांसमिशन देख रहे हैं, जो मेरी उम्र से छोटे बच्चे हैं या नौजवान हैं कि जिन्होंने इस वाक़े को ना सुना हो, तो इखलाक का बेहतरीन वाक़या है। इजाज़त दें तुम्हें, इजाज़त है। एक वक्त हुआ यूँ कि मदीने में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम के दरवाज़े पर दस्तक हुई,
इमाम ने दरवाज़ा खोला, देखा एक शख्स खड़ा था, कहता है मैं मुसाफिर हूँ और भूखा हूँ प्यासा हूँ। तो इमाम ने उसको अंदर बुलाया और जनाबे बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने उसके लिए खाना तैयार किया। उसने कहा मैं थका हुआ भी हूँ। तो इमाम ने कहा कोई बात नहीं, तुम यहाँ आराम करो, सुबह चले जाना। जब सुबह हुई तो वो जब जाने लगा तो इमाम को देखकर कहता है कि मैं रात भर सो नहीं पाया और मैं बड़ी कश्मकश में रहा, और कहता है कि मुझे लगता है कि शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। तो इमाम ज़ैनुलाब्दीन ने कहा कि मैं तुम्हें उसी वक्त पहचान गया था जब तुमने दरवाज़े पर दस्तक दी थी, तुम ही वो हो जिसने मेरे भाई अली अकबर को शहीद किया है। तो उसने पूछा तो फिर मौला आपने मेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों किया? तो इमाम ज़ैनुलाब्दीन ने जवाब दिया कि उस वक्त हम तुम्हारे मेहमान थे, वो तुम्हारा इखलाक था, अब तुम आले मोहम्मद के मेहमान हो, ये हमारा इखलाक है। अल्लाह अकबर, इससे बड़ी इखलाक की मिसाल मैं कहता हूँ कि मिल ही नहीं सकती जो रसूल आले रसूल के दर से मिलती है। बेशक, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अखलाक पे जो आपने ये वाला वाक्य और जो आपने वाक्यात सुनाए, आपने मतलब हम लोग तो इंसान हैं, हम तो गुनाहों का पुतला है, हम तो रोज़ कोशिश करते हैं कोई गलती ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे गलती हो ही जाती है। और अभी किचन की तरफ बढ़ना चाहिए क्योंकि अफतारी का टाइम बिल्कुल करीब है और बाकी ड्रिंक रह गई है हमारी शेफ की, तो हम आपकी तरफ आ रहे हैं। जी बिस्मिल, आइए बिस्मिल्लाह। जी नौरीन पक गए हैं हमारे पकोड़े अंडे वाले। बिल्कुल, कौन सी ड्रिंक बना रही हैं? हम रेड लेडी बना रहे हैं, जिसे मैंने डेढ़ ग्लास पानी डाल दिया। रेड लेडी ये कौन सी ड्रिंक? लाल औरत। ये नाम आप खुद रखती हैं या? हमने जो पढ़ा है उसे मॉकटेल्स कॉकटेल्स के ये नेम्स होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे कल मैं एक ड्रिंक मैंने सोचा कैरेबियन क्वीन, वो कैरेबियन इज अ आइलैंड। कैरेबियन क्वीन इज एन आइलैंड। चले जी, अब मैं इसमें ये मैंने डेढ़ ग्लास पानी डाला है। अब मैं इसमें ये लाल शरबत, आप लोग कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, वो जाएगा इसके अंदर 3-4 टेबल स्पून लाल शरबत। ठीक है, हाँ जी, ठीक लाल शरबत, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें जाएगा ये लेमन पाउडर है, ये इसमें जाएगा इसके अंदर 1 टीस्पून। ओके, ठीक है। अच्छा ये आइस है, ये इसके अंदर जाएगी अराउंड 1 कप। ओके, अच्छा ये शुगर है, ये हम थोड़ी डालेंगे क्योंकि लाल शरबत ऑलरेडी बहुत मीठा होता है, तो जस्ट 2 टीस्पून हीप्ड, मतलब भर के। ठीक है, अच्छा दिस इज ब्लैक सॉल्ट, ये इसके अंदर जाएगा हाफ टी स्पून, काले नमक का वैसे हाफ टी स्पून। ठीक है, असल टेस्ट में कह रही हूं। और अब हम इसको करेंगे ब्लेंड, सारी चीजों का मिक्सचर। जी कलर कितना अच्छा है, रेड ऑरेंज सा ऑरेंज बन गया ये तो। हां, जैसे पहले आपने ब्लू कौन सा बनाया था वो? हां, ब्लू लगून, ब्लू लगून बनाया था और वो ग्रीन बन गया था। आपने रेड लेडी को पिंक कर, लेकिन ये कैमरे पे रेडी आ रहा है। अच्छा, हां चले जी, ये आ गया हमारा, ये आ गई जी रेड लेडी। अच्छा, ग्लास इतने छोटे रखे, जैसे हमारे यहाँ वो नहीं होता जब हम किसी की शॉप पर जाएं तो वो कट वाली चाय होती है, छोटे छोटे ग्लास हैं। इसमें असल में ड्रिंक्स बहुत खूबसूरत लगते हैं, वेलकम ड्रिंक्स ना, तो ये एक्चुअली वो चाह रही है कि कम से कम एक इंसान पी और ज्यादा से ज्यादा पी लें थोड़ी थोड़ी करके। वाह वाह वाह, क्या बात है भैया, तारी तैयार हो गई है हमारी, जबरदस्त। चलिए लेके चलते हैं अब इसको। ये आप लेके जाएं। जी मैं लेके चलता हूँ, बाकी चीजें बल्कि मैं ले जाता हूँ, आप जूस लेके आ जाएं ताकि कम वक्त में जल्दी चीजें। क्या बात है, जज़ाकअल्लाह शेफ, आप रोज ये देखिए किबला, आप रोज सवाब कमाते हैं हमारी इफ्तारी करवा, एग वाले पकौड़े हैं या आपके इफ्तार के लिए इंतजाम किया है शेफ नौरीन ने, बड़ी मेहनत और बड़ी लगन से बनाया है। लाइए मैं देता हूँ, थैंक यू। ये आप एक ले लीजिएगा ग्लास, एक आप अपनी तरफ रख लीजिए, एक हम अपनी तरफ रख लेते हैं। थैंक यू जी। नाजरीन, तो अब वक्त होने लगा है अफ्तार का, तो अफ्तार का दस्तरखान माशाल्लाह तैयार हो चुका है, शेफ नौरीन ने बेहतरीन रेसिपी बनाई है और इससे हम अफ्तार करेंगे इंशाल्लाह। तो नाजरीन, आप भी हमें अफ्तार के वक्त ख़ास तौर पे दुआ में याद रखिएगा, लेकिन हम यहाँ से ब्रेक पर जाएंगे और अजान के बाद और अफ्तार के बाद हम दोबारा वापस आएंगे और उसके बाद फिर
कुछ बातें मौलाना माजिद रिज़वी साहब से और ज़ाहिद असलम साहब से भी दुआ भी करवाएंगे और आखिरी में कलाम भी होगा। तो देखते रहिए रमज़ान सब का सब टीवी की खुसूसी नशियात। वी विल बैक सून। जी वेलकम बैक, आप आ चुके हैं वापस हमारी ट्रांसमिशन में और इफ्तार हो चुका है माशाल्लाह से, चौथा रोज़ा भी हम लोगों ने माशाल्लाह से पूरा कर लिया। अल्लाह ताला हमारी इबादत कबूल फरमाए। और मैं इस वक्त चाहूँगी, वक्त ऐसा है कि दुआ होना बहुत ज़रूरी है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ दुआ करवा दीजिए। آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه پروردگار عالم ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما آمین اے میرے مالک ہماری خطاؤں کو معاف فرما آمین اے میرے مالک ہماری لغزشات کو معاف فرما الہی آمین اے میرے مولا ہم سے جو بھی صغیرہ کبیرہ غلطیاں گناہ ہوئے سب کو معاف فرما الہی آمین اے میرے مالک جو بیمار ہیں زیر علاج ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما الہی آمین اے میرے مولا مرحومین کو اہل بیت اطہار کا صدقہ حضور کے اصحاب کا صدقہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اے میرے مالک جو تنگ دست ہیں ان کی مدد فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما الہی اے میرے مولا وطن عزیز ملک پاکستان کی خیر فرما الہی تمام مسلمانوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کے معاملات فرما الہی ہم سب کو ماہ صیام ماہ غفران کا احترام بجا لانے کی توفیق عطا فرما الہی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین محمد بہت بہت شکریہ زاہد اسلم صاحب آپ کا آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے اور مولانا ماجد رضوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہماری رہنمائی کے لیے تشریف لاتے ہیں آپ سے ریکویسٹ کروں گی میں کہ آپ ایک جانے سے پہلے کلام ہو جائے جی میں پیش کرتا ہوں آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارا آج بھی ٹرانسمیشن میں ساتھ دیا ناظرین بس کلام کے ساتھ ساتھ ہم چلتے ہیں انشاءاللہ کل افطار کی نشریات میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ وقت دعا ہے اور یہ وقت وہ ہوتا ہے کہ جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے تو جتنے حاضرین یہاں پر ہیں آپ سے بھی درخواست ہے اور جتنے لوگ اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں سب اپنے دست دعا کو بلند کیجئے تاکہ دعا اللہ کی بارگاہ میں کی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک التجا ہے نگاہیں منتظر رہ جائیں دیدار ہو جائیں غلامی مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے غلامِ مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں محمد نام پر سودا سر بازار ہو جائے تصور میں تیری میرے مولا تصور میں تیری ہر شے نظریں جمائے ہوں نہ جانے جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے سر محفل کروں اتنا میرے سرکار ہو جائے سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں
सारा सफर बेकार हो जाए, सर में फिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए। और ये देखिएगा किस हसीन अंदाज से शायर ने डूब कर किस कैफियत में लिखा है। गोया अगर मैं इससे पहले तमहीद के लिए बात कहूं कि ऐ अल्लाह तू हमें ऐसा बना दे कि हमें कहना ना पड़े, बल्कि हमारा किरदार देखकर, हमें देखकर लोग ये खुद कह उठें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक है, उनका उम्मती है। फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी जात वाला, जो मुझको जो मुझको जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए, सर में फिल करो इतना मेरे सरकार हो जाए।